ये बोर्ड दिख रहा सबको? ठीक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन ए केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसका जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्वेल्थ में, ठीक। लेकिन जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, हर किसी का कॉन्सेप्ट जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पीरियोडिक टेबल से भी देखेंगे हम लोग, और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें हमको केमिकल बॉन्डिंग का भी देखने को मिलेगा। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज, दो या तीन चीज इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले इन ए केमिकल रिएक्शन टू और थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ठीक है, ये आपको देगा। मतलब इसके साथ क्या रहेगा हमारा? तो यहाँ पे सॉल्वेंट और ये हमको देगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे सबस्ट्रेट है आपका। सबस्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली हम उसे रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसे मैं R से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। देन रिएजेंट जो है, रिएजेंट को हम अटैकिंग स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का काम क्या होता है? तो ये जो सॉल्वेंट है ये बेसिकली आपको इन जो अटैकिंग स्पीसीज है इसको एक बेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये आपका रिएक्शंस को, रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सके, या फिर किसी को, किसी किसी भी रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, अटैक कर सके या प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पीछे जा सके। क्या है खुशबू ये? अच्छा मैंने लिखा है क्या इधर? एक मिनट वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये थंग्स नहीं होगा। थिंग्स होगा, ठीक है। टू और थ्री थिंग्स का कहने का मतलब है, एक तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया, दूसरा रिएजेंट हो गया, और तीसरा हमारा सॉल्वेंट हो गया। ये तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी रिएक्शन में, और इसमें से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिएजेंट, जिसे हम अटैकिंग स्पीसीज भी कहते हैं। इस अटैकिंग स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कहा जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है? कि वैसी चीजें
जो रिएक्शन को चलाने के लिए बीच में बनती हैं और बीच में खत्म ही हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये जनरल रिएक्शन ध्यान में रखना होगा कि एक जनरल रिएक्शन इसी प्रकार से चलता है। सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, मतलब रिएक्टेंट होता है, देन रिएजेंट होता है जिसे अटैकिंग स्पीसीज कहते हैं, देन वो हमको प्रोडक्ट बना के देता है। सॉल्वेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा एक रिएक्शन अब देखो, हम लोग सिंपल एक रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज सी प्लस ओ टू, ठीक है, ये हमको क्या देता है, तो सी ओ टू, ठीक है। अभी ये जस्ट एक एडिशन रिएक्शन हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस जगह पे आपका कार्बन जो है वो सब्सट्रेट कहलाएगा, ओ टू एक तरह का हमारा अटैकिंग स्पीसीज कहलाएगा, ठीक, सिंपली, और यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ है नहीं, तो ये मेरा एक जनरल रिएक्शन है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेट रिएक्शंस देख लें या कोई डिफरेंट रिएक्शंस देख लें जहाँ अल्कोहल बन रहा है या एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे हमें ये जनरल चीज़ ध्यान में रखना होगा। चलिए अब देखते हैं अटैकिंग स्पीसीज या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड फीजन और इसे बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है, ठीक है। बॉन्ड फीजन या बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है कि जो अटैकिंग स्पीसीज है आपका वो उसमें से कैसा ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब उसमें कौन कैसे टूट रहा है और कैसे अटैक कर रहा है। तो इस बॉन्ड फिजन में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, देखो इस जगह पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, सेम टाइप कह लें तो जैसे Cl2, ठीक है, तो Cl2 हमारा सेम एटम का एक मॉलिक्यूल है। अभी होमोलाइटिक फिजन में क्या होगा, ये लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को देखे रिएक्शंस में, लाइट को हम डिनोट करते हैं Hν से, ठीक है। तो Cl का एक एटम दूसरे Cl के एटम से इस तरीके से मान लीजिए जुड़ा है, ठीक। अब देखो इस जगह पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि दोनों सेम एटम है इसीलिए इसे होमोलाइटिक कहा गया है, ठीक। तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब जो राइट वाला क्लोरीन है वो लेफ्ट वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस खींचातानी में होता क्या है, जब हम इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, जैसे यहाँ पे ये लाइट यूज किया गया है एज ए हीट सोर्स, ठीक है, एज ए हीट सोर्स ये लाइट यूज किया गया है। तो ये हीट करता क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, ठीक, और तोड़ने के बाद हमको ये क्या देता है, ये हमें इस तरीके का एक ठीक है, ये जो डॉट मैंने दिखाया है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाया है। अभी देखो अगर हम लिविस स्ट्रक्चर देखें तो लिविस स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा क्लोरीन का, इस तरीके का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लोरीन जो होगा इसका अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5,
और एक ये सात। ठीक, तो लिविस स्ट्रक्चर जो हमने देखा था या पढ़ा है पहले, वो ये बताता है कि एक क्लोरीन इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड क्लीवेज हम देख रहे हैं या बॉन्ड का फिजन देख रहे हैं, इस बॉन्ड में यही चीज है कि दोनों क्या करता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में एक आपको एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहा है, इसे मैं कहूंगा इसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल कहने का मतलब है वैसा एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है। देखो अब यहाँ पे ना क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है ना इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है, लेकिन दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग अलग चले आए हैं। तो ये एक तरह का आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है, और यही जाके आपके किसी भी रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है उसे अटैक करेगा। अब जैसे देखो मैं यहाँ सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ, CH4 plus Cl2, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा CH3Cl। क्लोरीन के पास खुद से नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जब किसी से वो लेता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है। नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा अगर क्लियर नहीं है तो आप देखो, मैं एक ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, ढंग से देखिए, इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद देखते हैं। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा ढंग से समझो, अभी सोडियम कितना है 11। ठीक है, हम इसे क्या लिखते हैं 2, 8 और 1। ठीक, अब इस जगह पे आप देखो क्लोरीन में हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन 17 है मेरे पास, तो 2, 8 और 7। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इस फ्री रेडिकल में क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, मतलब ये जो लिविस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इस लिविस स्ट्रक्चर को आप देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल में ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन ही रखे हुए है, इसके पास कोई 8वां इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। लेकिन जब ये NaCl फॉर्म होता है, ठीक है, तो NaCl के फॉर्मेशन में क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर ऐड होता है और तब जाके आपको क्या देखने को मिलता है 2, 8 और 8। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तब हम कहेंगे कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। ठीक, इस माइनस का मतलब है कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन इस फ्री रेडिकल में इसने कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, जो इसका था वही है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया 10 रुपए और कुछ दिनों के बाद आपने वो 10 रुपए वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन उस 10 रुपए से आपने और 10 रुपए कमाए, तो आपका जो 10 रुपए कमाई है वो एक तरह से आपका पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर जो 10 रुपए लिया था वो 10 रुपए अगर आपने वापस नहीं किया तब तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा ही, तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इस जगह पे देखो जो भी यहाँ पे जो भी खेल है इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सोडियम में क्या लिखते हैं, तो सोडियम में हम यहाँ प्लस साइन देते हैं। एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम एक चार्ज लिख दे रहे हैं, कौन सा चार्ज, तो +1 चार्ज। बेसिकली हमें क्या डिफाइन करना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा करते क्या है,
जो ज्यादा होता है हम उसे दिखाते हैं, ठीक है। चार्ज का मतलब समझिए कि जिस एलिमेंट में जो जो चीज ज्यादा होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो हम प्रोटॉन की क्वांटिटी दिखाएंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, मतलब इसके पास पहले से एक प्रोटॉन बढ़ गया, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो इस जगह पे सोडियम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका कितना बच जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अब कि पहले कितना इलेक्ट्रॉन था और सॉरी पहले कितना प्रोटॉन था और अब कितना इलेक्ट्रॉन है, उस चीज को कंपेयर करके तब हम यहाँ पे चार्ज लिखते हैं, ठीक है। वही चीज अब आप देखिए क्लोरीन में टोटल पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बाद में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक्सेस में दिखाते हैं, ठीक है। सोडियम में हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को एक्सेस में दिखा रहे हैं, और क्लोरीन में हम क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम एक्सेस में दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका चार्ज का बात, क्लियर है प्रांशु, चार्ज कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो बेसिक चीज है, आपको पहले भी पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। पढ़ने के तरीके को समझिए, एक जगह हम प्रोटॉन को एक्सेस में दिखा रहे हैं, एक जगह हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में दिखा रहे हैं। अब चले आओ इस रिएक्शन के ऊपर जो मैंने यहाँ नीचे में लिखा है CH4 का, ठीक है। अब देखिए CH4 जब Cl2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट हमेशा एच न्यू से दिखाते हैं, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो Cl2 सबसे पहले ब्रेक होगा किसमें आपका, तो Cl2 ब्रेक होगा ये फ्री रेडिकल में, ठीक है। मैं अभी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, उसके बाद फ्री रेडिकल में जब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो CH4 अब यहां पे देखिए, अब इस जगह पे क्या होता है, तो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर जो ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, या यू कहे तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। फ्री रेडिकल का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है, हम ऐसा समझ सकते हैं। रेडिकल का मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को नोटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन को आप देखिए, तो क्लोरीन में जो मैंने यहाँ दिखाया है इस जगह पे, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को फ्री दिखाया गया है, ठीक है। या यू कहे देखो एक्चुअल में क्या है, Cl2 आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक, नेचर में बाय नेचर Cl2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम रिएक्शन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो Cl2 से Cl को एग्जिस्ट करवा रहे हो तब जाके रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, इस जगह पे ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, तो इस कार्बन को अटैक करता है, जिसके वजह से हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, CH3Cl प्लस। अब यहां से जो H निकला, देखो मैं जहां मैं एरो जैसे से घुमा रहा हूं उसे ढंग से देखिए, ये जो H निकलेगा यहां से, ये किसे अटैक करेगा, तो इस वाले क्लोरीन को, मतलब दूसरे वाले जो क्लोरीन है उसे अटैक करेगा और तब जाके आपको क्या देगा, HCl, और ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। इस मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, तो फ्री रेडिकल नाम का एक इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के दौरान बनता है और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाता है, या यू कहें तो रिएक्शन के दौरान बनता है और हमें प्रोडक्ट बना के देता है, इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको, यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं ताकि
लेवल हो जाए। ठीक है, देन सेकंड है हमारे पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब देखो ये हेट्रोलाइटिक जो है ये जस्ट उल्टा होता है होमोलाइटिक का। होमोलाइटिक में हमने क्या पढ़ा, तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। हेट्रोलाइटिक में क्या है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एच सी एल, ठीक है, इस जगह पे इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होगा, मतलब क्लोरीन खींचेगा उसके इलेक्ट्रॉन को। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, चाहे जबरदस्ती दिया या अपने मन से दिया, लेकिन दिया। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी एक सिंपल सा फंडा है, फंडा क्या है, तो अगर सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, एक प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, एक माइनस चार्ज। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, इस जगह पे मुझे आयनिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है और इस जगह पे मुझे कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मेथड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वो मेथड क्या है, तो सेम मेथड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफरेंस हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह की ओर। ठीक है, एक जगह मेटल है और एक जगह नॉन मेटल है। ठीक है, इस जगह NaCl का जो एग्जांपल है ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच है, और यहाँ जो हमने लिया है हेट्रोलाइटिक में ये हमारा दोनों नॉन मेटल्स के बीच में है। तो चूंकि नॉन मेटल्स है इसीलिए हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में दोनों के ऊपर चार्जेस आएंगे, एक के ऊपर माइनस तो एक के ऊपर प्लस। क्यों, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने लिया। चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफरेंस देखने को मिलता है हमें, तो इस वजह से इसके ऊपर एक डेल का साइन आता है। ठीक है, ये डेल साइन हमें क्या बताता है, तो ये यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसे हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, ये दो तरीके का बॉन्ड फ्यूजन होता है। देन नेक्स्ट इंटरमीडिएट है हमारे पास कार्बोकेटायन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। अभी कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो कार्बोकेटायन में भी सेम फंडा हम यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हम यूज करेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो उसी फंडे को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसे सिंपल सा फंडा देखिए, कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, जैसा नाम है वैसा काम होना चाहिए।
इस जगह पे, अरे इस जगह पे अगर इसे हम ब्रेक करें तो हमें दो नाम में मिलेगा, एक तो कार्बन, ठीक, और एक कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, CH4 मान लीजिए। इस CH4 में, ठीक है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है, इस वजह से क्या देखने को मिलता है, तो कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन हमको देखने को मिलते हैं और एक 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 मिनट नहीं एक 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 मिनट यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा इस जगह पे। इस जगह पे मैं H नहीं, इस जगह पे मैं हेलोजन लगा रहा हूँ, ठीक है, X, ठीक है, क्योंकि हमें कार्बोकैटायन चाहिए इस वजह से। अब देखिए कार्बोकैटायन चाहिए तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया हेलोजन्स को लेके, तो X हमारा क्या है, X मेरे पास हो जाएगा F Cl Br और I, ठीक है, ये चार हो जाएंगे मेरे पास, ठीक। अब बेसिक फंडा हमारा वही रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा मतलब कि हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हैलोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक। इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो एक्स बाहर निकल जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब एक्स के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होना चाहिए और कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है कार्बन पे, इसे हम कहते हैं ठीक है, ये हमारा कार्बो कैटायन कहलाता है, ठीक है। कार्बो कैटायन बनाने के लिए या बनने के लिए हमको क्या ध्यान रखना होगा, जो कार्बन के साथ जो भी एलिमेंट हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में हेलोजन दिखाया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, CH3 और फिर OH, तो कि OH जो है, OH का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लेके चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक। तो इस तरीके से मुझे हर वो जगह पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार्बो कैटायन इज फॉर्म वेयर देयर इज डिफरेंस एन वैल्यू ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन्स एक्सेट्रा। Value of carbon
मस्ट बी लेस देन द अदर एलिमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो कार्बोकैटायन के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? कार्बोकैटायन क्लियर है? देखिए इसमें अब इसमें अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन के भी फॉर्म्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसके बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन। अभी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों का फंडा पता है। ठीक, अब जैसे कैटायन की अगर बात करें तो मेरे पास मान लो सी प्लस है। अगर ये सी प्लस एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। इस तरीके से ठीक है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी या फिर वन डिग्री। ठीक है, इसी जगह पे अगर ये दो कार्बन से जुड़ा है, इस तरीके से एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर और तीसरा जो बॉन्ड है इसका हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी। टू डिग्री कार्बो कैटायन, इसके बाद हमारे पास है तीसरा जिसे टर्शियरी कहेंगे। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किसे कहा जाता है। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी और तीन से जुड़ा है तो टर्शियरी। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम बात करें तो ये मेरा वन डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये मेरा टू डिग्री कार्बन कहलाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बो कैटायन और थ्री डिग्री कार्बो कैटायन। ठीक है, इस जगह पे अगर ये जो है ये कार्बन मेरा थ्री डिग्री कार्बो कैटायन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जनरल कंडीशन, जनरल चीज जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेरे पास? अब इस जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट Here is order of stability and order of reactivity.
ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी हमको बताता है कि कौन चीज कहाँ जाके स्टेबल होगा या कौन कहाँ जाके ज्यादा रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप ढंग से देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, मिथाइल ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब प्राइमरी कार्बन को आप देखो, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो एक मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज में जो डेंसिटी घटा है, ठीक है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको यहाँ पे पूरा कौन करेगा, उसको इस जगह पे पूरा करेगा, कह सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप करेगा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके, ठीक। उसी तरीके से जब हम इसकी बात करें सेकेंडरी कार्बन के लिए, तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, एक ये और दूसरा ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ताकि इस डेंसिटी को पूरा किया जा सके, ठीक। उसके बाद हम जब तीसरे कार्बन की बात करें, टर्शियरी कार्बन का, तो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप है, ये तीनों क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ताकि जो सेंटर एटम है उस सेंटर एटम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है उसको ये बैलेंस कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो टर्शियरी कार्बन पे मतलब तीन मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, इससे कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको दिखेगा सेकेंडरी में और इससे कम आपको दिखेगा प्राइमरी में। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मुझे कैसे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड डिग्री कार्बन, उसके बाद टू डिग्री कार्बन और उसके बाद वन डिग्री कार्बन, ये मेरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वन डिग्री उसके बाद टू डिग्री और इसके बाद थ्री डिग्री, ठीक है, ये इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ठीक। ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल है या कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है पॉइंट? ठीक है।